और आज हम सिलाई कर रहे हैं सूटों की। तरपाई नया सूट है। हाँ ये आया नया सूट, कोलिस गर्ल है यहाँ ऊपर। और शादी के लिए सिलवाना, थोड़ा डिफरेंट और स्टाइलिश भी है सिलने के लिए, थोड़ा टफ भी रहेगा। सिल रहे हैं आज और आएंगे अब किट्टू दीदी आना है, उन्होंने भी सूट सिलवाना है। बड़े सारे सूट का वेट कर रहे हैं अब हमें। हाँ उनसे थोड़ा सा सामान मंगवाया सूट के लिए, मंगवाया और भी जितनी तो लड़कियाँ हमारे इधर कपड़े लेने नहीं आ रहे रेडीमेड, उतने सारे तो लोग लगवा रहे नजर ही अभी। तुझे अक्कल है, तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। इसने तो ऐसे बोल बोल के की सूट, पर ये है ना कि अभी स्टार्टिंग है, अच्छे लगेंगे उन्हें तो और देके जाएंगे। ये हमने पूछा भी उनसे, सिल के भी दिए काफी सारी लेडीज को, तो मैंने उनको पूछा भी फोन करके कि आपको कोई कमी लगती है तो आप हमें बताएं कि कुछ इशू है तो भी, तो उन्होंने बोला नहीं अच्छा है, अच्छा अच्छा। तो शबीर ने तो बस एक ही काम पकड़ा हुआ है तरपाई करने का, कल की लगी हुई है इस सूट को। ऐसा कुछ नहीं है, बड़े सारे देती है, तीन कुर्तियां दी थी कल मेरे को इसने तरपाई करने नहीं, के लिए। नहीं एक ही दी है, कल की लगी हुई है, अभी तक काम नहीं हुआ है। झूठ बोल रही, मैंने करके रखी। और आप एक बात बताएं, हम ना प्रेस लेके आए थे ना, इसने खराब कर दी, हमें नई प्रेस लेनी पड़ी, न्यू प्रेस। नहीं वो पता क्यों हुआ, मैं तो मतलब किया था खुद दिख रहा, अभी कमाए हैं नहीं और कमा रहे हैं। हाँ हम घर में हमारी प्रेस थी तो हमने सोचा वही यूज कर लेते हैं, ऐसे पैसे बर्बाद करने से अच्छा। तो पर दो पर दिन चली वो और खराब, फिर अब हम नई प्रेस लेके आए और मुझे इसने प्रेस वाली बना दिया इस्त्री वाली। मेरे सारे कपड़े प्रेस के, मैं सिलाई वाली इस्त्री वाली सारे कपड़े देखो सिलने के लिए, खुद सिलती है और मुझे बोलती तू प्रेस कर, तरपाई कर। पर एक बात और है ना कि जब हम कपड़े सिलते हैं ना तो हम फैन नहीं ज्यादा यूज कर पाते क्योंकि कपड़ा उड़ जाता है ना बार बार, इसलिए हम गर्मी के मारे बैठे होते हैं, फिर सीने से लतपत हो जाते हैं। पर आजकल गर्मी कम हो गई है, सच में थोड़ी कम तो हो गई है, पर क्या करें, अब मजा आता है बैठने में भी, मतलब बिना फैन के भी बैठ सकते हैं थोड़ा बहुत बीच बीच, मतलब हमारे इधर थोड़ी गर्मी जो है खत्म होने पे आ गई है, जल्दी से खत्म हो, मैं तो बोलती सर्दी जल्दी से आए। सितंबर खत्म होते होते हमारे यहाँ स्वेटर लगाना शुरू हो जाएंगे सुबह शाम के टाइम पे। अच्छी बात है, हमें खुशी है। ये जल वो जो ये जो सूट है इसको जब ये फुल कंप्लीट हो जाएगा ना तो हम इसको ना आपको दिखाएंगे मैं कि ये कैसा था डिजाइन कैसा। अब इसके लिए सारी ये किट भी आएंगे तब आए। जैसे हमारे पास सूट की कमाई आ गई, हम थोड़ी अमीर हुए, वैसे ही हम मार्केट गए और जल्दी से सामान और हमने खर्च कर दिए। और तो हम क्योंकि वीडियो हम इसलिए नहीं बना पा रहे थे क्योंकि वीडियो में सूट बनाते बनाते टाइम ही नहीं मिल रहा है, बड़े हम बिजी हो गए। पहले हम फ्री टाइम काफी ऐसे बैठे रहते थे और अब तो हमारे पास इतना सा भी टाइम नहीं मिलता। काफी टाइम से ये जो हम आज जिस शादी में जाने वाले वहाँ पे जहाँ पे हमारा जाना ड्रीम था एक हम जाएंगे, वो ये वो, पर हमें मिल गया मौका जाने के लिए और हम बड़े एक्साइटेड हैं। हमने ऐसे सोचा था हमारी ट्रिप बनेगी, हमारा पैसा लगेगा, पर इस बार तो सच में हम फंड में जो जो हमारा खर्चा होना था वो हमने सूट्स में कर दिया इंक्लूड, क्योंकि शादी है तो सूट्स तो लेने पड़ेंगे अब थोड़े बहुत, पर हम सिंपल ही रह रहे हैं। ज्यादा हैवी मेकअप नहीं करेंगे क्योंकि क्योंकि हम ब्लॉगिंग पे ज्यादा ध्यान देंगे। हाँ ब्लॉगिंग और बड़ी मेकअप करने वाली आता है क्या बोला तूने? नहीं मेकअप मतलब कि ज्यादा हैवी सूट्स नहीं पहनेंगे और ज्यादा मेकअप नहीं करेंगे, थोड़ा जो नॉर्मल लाइनर वगैरह वो ही होगा क्योंकि शादी में एक बात होती है अगर हम ज्यादा मेकअप करेंगे तो लेडीज जो पूछती हैं कि बेटा तुमने अपना खुद किया, हम बोलेंगे हाँ हाँ तो हमारा भी कर दो, वैसे वाला सुनील हो जाता है फिर अच्छा नहीं लगता क्योंकि फिर उसमें बिजी हो जाएंगे पूरी शादी में। तो इसलिए सूट कर दिए तैयार, अब उसको लेस लग रही है। हमने बोला कस्टमर को कि वो ले जाए यहाँ पे और चेक कर ले मीन्स की लगा के कि कैसा है टाइट ना हो जाए, तो उन्होंने बोला कि हम आ नहीं सकते दो तीन दिन, अब हमको पता नहीं चलेगा, इसलिए मैंने बोला इसकी साइज़ की है इसको ट्राई करना पड़ेगा इसको लगा के, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि ट्राई कर लेती है ये, उन्होंने बोला हाँ कर लो अब इसको करना पड़ेगा क्योंकि फिटिंग देखने फिर टाइट हो जाए फिर से करना पड़ेगा, तो लगा के अब फिर से हमें जल्दी से ये जब ट्राई करेगी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है सूट बन के तैयार।
सूट दिखाया आपको ना, पूरा थक गए, पूरा रेडी कर दिया। और साक्षी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी सूट लगाने में, क्योंकि उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। उसने पूरी अच्छे तरीके से नहीं दिखाया पूरी सूट की चमक चमक। घर जा रहे हैं अब, सूट वगैरह हो गए हमारे सारे कस्टमर के सूट, हाँ ये देने हैं। और आज मेरी मम्मा घर पे नहीं है, इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं। देख सकते हो आप, धूप निकली हुई है। 5 बजे जब हम चलते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा अंधेरा होने लगता है, उस टाइम पे हम निकलते हैं, इसलिए आज जल्दी निकलते हैं। मिलते हैं जंगल में। अरे कहना क्या चाहते हो? टन टन नहीं, मिलते हैं कस्टमर के पास। हम सूट दे आए हैं, दीदी घर में नहीं थे, हमने ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें लगाई उनको, तो किसी का शायद बर्थडे था उसमें गए थे। अंकल के पास दे आए हैं, अब देखते हैं कल तक उनका फ़ोन आ जाएगा खुद ही कि हाँ मिल गए हैं उनको सूट। हम सोच रहे थे कि हम उनकी खुशी दिखाएं आपको, कि हम हमारे कस्टमर की खुशी। तो पता हम काफ़ी टाइम हो गया ना हम जंगल से जा रहे हैं, तो हमें हर रोज़ उनकी कोई दिन छूट ही नहीं रहा कि मंकी ना मिले हमें। पर आज ऐसे लग रहा है कि कोई मंकी नहीं होगा, क्योंकि इधर फंक्शन था कल ही, इन्होंने टेंट लगाए हुए थे मंदिर के सामने, पर आज हो गया शायद। हम तो सोच रहे थे हम भी देखेंगे थोड़ा वो शूट करेंगे, पर कुछ नहीं है। अब टेंट वगैरह खोलने वाले आ चुके हैं, तो कुछ नहीं है। इधर साइड में जो मंदिर दिखाया था ना आपको, इसमें था कुछ, पर अब कुछ भी नहीं बचा है, खोल दिया सारा। खाना लेके जा रहे हैं चावल शायद से। चोर अपने शिकार पे लेने जा रही है, ये लेने जा रही है। पहले ठीक बोला था, चुराने जा रही है, चोरने जा रही है। कांटा लगा। घर देखो पास में ही है, और चोर को देखो, ऐसी होती है यहाँ पे चोरी। कुछ ना कुछ तो चुराने को चाहिए इसको। चुरा लिया। ये मैं अकेली खाऊंगी, क्योंकि इसकी कोई ये नहीं थी, मेरा कोई पार्टिसिपेट नहीं था इसमें चुराने वाले, क्योंकि चुराने हमेशा यही जाती है। तो ये देखो बैर, जंगली बेर लगे इनको बोलते, जंगली बेर। पर खाने वाले नहीं है ये, वो लगा एक कच्चा छोटा सा, पक गए हैं थोड़े थोड़े से, चलने नहीं। हम अमरूद लेके आए हैं, खा रहे हैं अब, टेस्टी है, मीठा भी है साथ साथ में। गाइड वाला है, पर जो रेड वाला होता है वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। जहाँ पाँव धोते थे ना पहले, वो पहले छोटा सा था, कम मतलब कि कम पानी वाला, अब इतना ज़्यादा नीचे चला गया है। ये देखिए काफ़ी नीचे जाके है, कम से कम हमारे घुटने तक पानी होगा इधर। और एक दिन ना इतना ज़्यादा पानी आया था ना, मतलब कि बारिश के दिन, कि ये जो आधा आधा इतना इतना घास था ना, उसके साथ ही बह गया, और इतना ज़्यादा पानी था उस दिन। कद्दू चोर, ये मेरे घर की खेती, थोड़ी सी भिंडियाँ भी लगी हुई हैं। साक्षी के घर में इतना बड़ा कद्दू लगा था, इससे बड़ा भी हो सकता था, पर बंदर जो है खा जाते हैं ना, इसलिए छोटा ही तोड़ दिया। पहले भी खा गए हैं दो, बहुत सारे कद्दू रखे थे, और मैंने ले लिया एक बड़ा वाला, और ये मैं घर में बनाऊंगी, और ये कल लेके आएगी खाने के लिए। इसकी खेती से अमरूद भी लाया मैंने तोड़ के, और काफ़ी अच्छी लगी है। फिर अब ये भी घर पहुँच गया, मैं भी घर पहुँचने वाली हूँ, तो मैंने सोचा यहीं पर ब्लॉगिंग की एंडिंग की जाती है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। सेठ ठोक दीजिए, महाकाल का तबाह कर लाकर सेठ ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।